आज का वीडियो है उस दर्द के बारे में जो ना तो देखा जाता है और ना ही सहा जाता है, और उस दर्द का नाम है दांतों का दर्द। बड़ा भयंकर होता है, सिर्फ वही जानता है जिसको यह तकलीफ आती है। लेकिन आज सिर्फ दांतों के दर्द के बारे में नहीं बताऊंगा। मेरे ऑफिस के जस्ट सामने बहुत सारे, क्योंकि हमारा ऑफिस थोड़ा सा ऐसी जगह पे है जहां बहुत सारे पहाड़ हैं आसपास में और बहुत जंगल टाइप माहौल है, तो अभी मैं अपने कैमरे में देख रहा था, कोई बुजुर्ग जो है ना, दो तीन दिन पहले कोई जड़ी बूटियां ऐसे सर्च कर रहे थे। तो मुझे लगा कि कोई कुछ खास है हमारे ऑफिस के सामने जहां हमारा भी ध्यान नहीं गया, तो मैं तुरंत बाहर चला गया ऑफिस के और वहां जाके उनसे मैंने पूछा कि आप क्या खोज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक जड़ी बूटी ढूंढ रहा हूं जिससे मैं अक्सर दांतों के लिए इस्तेमाल करता हूं। मैंने कहा वाओ, मजा आ गया, ये तो सारी दुनिया का भला होने के लिए बात बन गई। अब तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप बताइए क्या ढूंढ रहे हैं और मैं भी आपकी कोई हेल्प करूंगा। तो फिर उन्होंने वो मुझे वो जड़ी बूटी दिखाई और उसी जड़ी बूटी के ऊपर मैं आज का वीडियो बना रहा हूं, और इसमें आपको उस जड़ी बूटी से रूबरू भी कराऊंगा। हम अभी ऑफिस के बाहर भी चलेंगे और मैं आपको वो दिखाऊंगा भी, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और आपको एक और बात बता दूं कि उस जड़ी बूटी से ऊपर दांतों के दर्द के मामले में जिनके दांत हिलते हैं, जिनके मसूड़े में खून निकलता है या दांतों में कैविटीज हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, बहुत स्मेल आती है, उससे ऊपर की जड़ी बूटी आज तक हुई नहीं, सबसे टॉप की जड़ी बूटी। इसलिए नहीं कह रहा कि हमारे ऑफिस के बाहर लगी है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसको देखने और स्टडी करने के बाद मुझे जो पता चला, जो ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, वो उसके अनुसार वो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट जड़ी बूटी है। ठीक है, तो चलिए वो भी दिखाऊंगा और दो चीजें और बताऊंगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया दांत पीले हो रहे हैं, सफेद करने का तरीका बताइए। हालांकि मैं पहले भी वीडियोस डाल चुका हूं, आज फिर से एक नया फॉर्मूला, एक नई चीज बताऊंगा। और जिनके दांतों में ठंडा गर्म लगता है, सेंसिटिविटी की समस्या है, उनके लिए क्या जबरदस्त तरीका है वो भी बताऊंगा, और मसूड़ों में से अगर खून आता हो वो भी आपको बताऊंगा। राइट, ये तीनों चारों चीजें सारी साथ में, वो ऑफिस के बाहर वाली जड़ी बूटी अभी के अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो बने रहिएगा आखिर तक। और जानते हैं सबसे पहले वाला फार्मूला कि अपने को क्या, कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि दांतों की तमाम समस्याओं को आउट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में, और मैं हूं डॉक्टर भूषण, और आज आप बहुत जबरदस्त एक ऐसा वीडियो देखने जा रहे हैं जो दांतों की तकरीबन समस्याओं का समाधान करने योग्य है। राइट, तो बहुत सारे लोग पहले तो पूछते हैं कि ये दांत सफेद करने का, दांत चमकाने का तरीका बताओ। दो तरीके बताता हूं, बेहद आसान, और उनमें से एक तरीका तो पहले दिन से ही काम कर देगा। सबसे पहले वो बताता हूं जो आपको हफ्ते में कम से कम एक बार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मीठा सोडा हर किसी के घर में मिलता है, अभी के अभी आपकी किचन में अवेलेबल है, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। राइट, वो आप ले लीजिए, थोड़ा सा चुटकी भर, चुटकी नहीं, कम से कम 4-5 चुटकी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। रात को सोते समय अच्छी तरह कुल्ला करने के बाद उसको पेस्ट की तरह, मंजन की तरह आपने अच्छी तरह से अपने दांतों के ऊपर उसको मसाज करना है। मसूड़ों की मसाज भी जरूर साथ में कीजिएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और दांतों की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। राइट, तो जैसे ही आप इसको करना शुरू करेंगे उसके बाद आप हार्डली 1-1.5 मिनट के बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर दीजिए। राइट, और हफ्ते में इसको एक बार कीजिए, और जब आप इसको कुल्ला करके दांतों को निहारेंगे अपने शीशे में, दांत तो ऐसे आपका थैंक यू बोलेंगे कि मजा आ जाएगा, आपको लगेगा वाओ, पहली बार में विजिबल इफेक्ट, वो आता है ना पेस्ट आता है ना, विजिबल इफेक्ट, वो विजिबल इफेक्ट इसी से आना शुरू हो जाएगा तुरंत। हफ्ते में एक बार जरूर करना है मेरे कहने से। राइट, अच्छा, दूसरा मैंने पहले भी बताया था, आज फिर से बताता हूं, रंगोली दातुन बाजार में इजीली मिलती है, हर पंसारी की दुकान पे मिलेगी आपको। बस उसका एक ही छोटा सा ड्रॉबैक है कि जब आप उसको करते हैं तो होंठ थोड़े से जो है ना वो हल्के ऑरेंज से हो जाते हैं। राइट, तो कभी छुट्टी वाला दिन हो, 2-3 छुट्टियां पड़ रही हैं तब कर लो। वो तो ऐसी चमत्कारी चीज है, आप जैसे ही उसको करेंगे दांत तो ऐसे चिट्टे रंग के हो जाते हैं ना, चिट्टे, एक होते हैं सफेद दांत, एक होते हैं चिट्टे, बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। बस उसका वही ड्रॉबैक है। लेडीज के लिए तो बढ़िया है, उन्होंने तो अपनी लिपस्टिक लगानी है और काम हो गया। जेंट्स को थोड़ा सा अगर ऐसा लगे तो फिर बेकिंग सोडे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। ये हो गई पहली चीज। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं दांतों की लाइफ बढ़ाने का तरीका बताइए, उनकी जड़ें कमजोर हो रही हैं। अब जड़ें कमजोर हो रही हैं तो उसको मजबूत कैसे करें? उसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन और कुछ भी नहीं। डिसिप्लिन में भी क्या करना है, खाना हम हर रोज खाते हैं, कुछ लोग 2 बार खाते हैं दिन में या फिर 3 बार खाते हैं। राइट,
जब भी आप खाना खाएं उसके तुरंत बाद ब्रश तो नहीं करना है लेकिन कुल्ला जरूर करना है, और कम से कम 10 से 12 बार कुल्ला कीजिए अच्छे से। मसाज कब करनी है? सबसे आखिर में। पानी लिया, अगर सर्दियां हैं तो गुनगुना पानी, गर्मियां हैं तो ताजा पानी, राइट, और उसका अच्छी तरह से कुल्ला कीजिए बहुत बढ़िया तरीके से, ताकि एक एक कण जो है बाहर निकल आए। और रात को अगर किसी को मान लीजिए सेंसिटिविटी की समस्या है तो फिर नमक वाले पानी का कुल्ला कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बीपी तो नहीं बढ़ जाएगा, बीपी तब बढ़ेगा जब अंदर जाएगा, और उसका भी एक और तरीका बताता हूं, अगर किसी को और वैम हो ना तो नमक वाले पानी का कुल्ला कर लीजिए, उसके बाद फिर प्लेन पानी का थोड़ा कुल्ला कर लीजिए अगर खारापन लग रहा है, और ऊपर से जीभ साफ कर लीजिए, टंग क्लीनर से जीभ साफ कर लीजिए, वो नमक का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा वहां से। और जो जड़ों में जाके बैठता है ना मीठा, वो मैं कहता हूं वो ऐसे भाग जाएगा, वो लाइफ टाइम सुकून मिल जाएगा, लाइफ टाइम, राइट। तो नमक वाला पानी आप चौथे पांचवें दिन में अपने आप बताएंगे कि सेंसिटिविटी का इश्यू जो है मेरा 90% से ज्यादा आराम आ गया, इतना जबरदस्त जोरदार है, राइट। ये हो गया उनके लिए जिनको सेंसिटिविटी का इश्यू। अच्छा, उनके लिए जिनके मसूड़ों में से खून आता है वो क्या करें, ठीक है। मसूड़ों में से खून आता है तो मैंने पहले भी 3 चीजें बताई थी, आज फिर से रिपीट करता हूं, हल्दी, सरसों का तेल और सेंधा नमक। सेंधा नमक ना हो आयोडाइज नमक ले लीजिए, राइट। मुंह से टाटा निकलने लगा था रतन टाटा सर को श्रद्धांजलि दोबारा से, और उन्होंने ऐसे घर घर में और दिमाग में स्टैंपे लगा दी हैं कि नमक का नाम लेते ही टाटा नमक मुंह से निकल आता है। तो सर हाँ, तो हम आयोडाइज नमक पे थे, सॉरी। तो आयोडाइज नमक कोई सा किसी भी कंपनी का जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। तीनों चीजों को, सरसों का तेल, हल्दी और नमक, तीनों का मिश्रण बनाइए, अच्छी तरह से दांतों पे मसाज कीजिए, और फिर मसूड़ों के ऊपर अच्छी तरह से उंगली की मसाज कीजिए अच्छी तरह से, राइट। जैसे ही आप अच्छी से बहुत बहुत नरम पड़ चुके हैं गम्स तो बहुत जोर नहीं लगाना, लेकिन अगर नॉर्मल गम्स हैं, शुरुआत आपकी ऐसे हो रही है कि ब्लीडिंग हो रही है, तब आप अच्छे से मसाज कर सकते हैं, अदरवाइज धीरे धीरे मसाज कीजिए। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और जो जो मुंह से स्मेल आती है वो जानी शुरू हो जाएगी, और मसूड़ों में से खून निकलना आप देखेंगे 5-6 दिन के अंदर जबरदस्त फर्क आएगा। किसी की जड़ें बहुत कमजोर हो गई हैं, बहुत तकलीफ है, एक बार डेंटिस्ट को दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, जरूर दिखाना चाहिए। 6 महीने में एक बार विजिट कर लेना चाहिए कि हाँ जी ओके है साहब, हाँ जी ओके है जी, माड़ी मोटी कोई थोड़ी बहुत कोई कमी पेशी होगी वो वैसी ठीक हो जाएगी, लंबा बढ़ाएंगे तो फिर मुश्किल का काम है, राइट। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले अगर कोई तकलीफ है आयुर्वेद को जरूर अपना के देखना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ हो तब आप डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं, राइट। चलिए, ये तो होगी बातें सेंसिटिविटी की, और जिनको ब्लीडिंग गम्स हैं या फिर ये ठंडा गर्म लगता है, सब तकलीफें होगी दूर। अब बात करते हैं उस जड़ी बूटी के बारे में। मैं आपको बाहर लेके चलता हूं, आप मेरे साथ चलिए और मैं वो जड़ी बूटी आपको दिखाता हूं, मजा आ जाएगा आपको, जिंदगी बदल जाएगी, राइट। तो चलिए, ऑलराइट, तो अब हम आ गए हैं अपने ऑफिस के बाहर। यहां से पहाड़ तो नहीं नजर आ रहे होंगे क्योंकि थोड़ा सा दूर का दृश्य है, बाद में दिखाऊंगा, हो सकता है नजर भी आ रहे हो। और मैं आपको वो जड़ी बूटी दिखाता हूँ जो हमारे ऑफिस के बाहर लगी हुई है, और उसको नजदीक से भी दिखाऊंगा क्योंकि दूर से आपको, क्योंकि बहुत सारी झाड़ियां भी हैं तो मैं थोड़ा नजदीक से भी आपको दिखा दूंगा कट करके अभी, राइट। तो क्या चीज है वो दिखाता हूं, जरा गौर से देखिएगा। ये जो है ये, इसको हम बोलते हैं चिरचिट्टा, राइट। ये देखिए, मैंने ग्लव्स इसलिए पहने क्योंकि और बहुत सारी कंटीली जड़ी बूटियां भी हैं, झाड़ियां भी हैं। ये देखिए, जरा गौर से देखिएगा, आगे से थोड़ी सी लाल है और पीछे से हरी, राइट। और इसकी दातून यहां से करनी है ये चीज से, राइट। ये आपको कांटे कांटे से लगेंगे, वैसे चुभते नहीं है ये कांटे, राइट। ये देखिए, ओके, ये सारी की सारी आप ध्यान से देखेंगे, आप थोड़ा कैमरा अगर और फोकस कर सके मैं और आपको दिखा देता हूं यहां से। ये देखिए, मैं कटिंग करके दिखा देता हूं। ये इसलिए भी कटिंग कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे भी काम आएगा मैं भी इसको करूंगा, इससे दांत वाकई बड़े। ये दूसरी झाड़ी है, इससे दांत वाकई बड़े स्वस्थ और मजबूत हो जाते हैं। अब आप गौर से देखो, जरा दिख रहा है आपको, राइट। यहां से देखिए आप, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको हर जगह साउथ में भी, इधर नॉर्थ में भी, जंगल झाड़ियों में, जहां जहां झाड़ियां हैं ये हर जगह आपको ये सब मिल जाएगा। ये देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं चिरचिट्टा या लट जीरा भी बोलते हैं, चिरचिट्टा भी बोलते हैं, राइट, अपा मार्ग भी बोलते हैं, ओके। तो ये वो जबरदस्त जड़ी बूटी है, इसको आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे आपको इसके बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा, राइट।
ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो जड़ी है, जड़ी बूटी जिसको लड़जीरा, चिरचिट्टा या अपामार्ग भी बोलते हैं, तो ये आपको समझ में भी आ गई होगी और पहचान भी होगी होगी। थोड़ा सा नजदीक से और करके दिखा देता हूँ और मैं इसकी फोटो भी डाल देता हूँ एक, राइट, और बड़ी क्लियर कट फोटो आएगी। तो ये देखिए मैंने हाथों से पकड़ा हुआ है, कोई इसमें कांटे कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जो नीचे वाला एरिया है उससे आपको दातुन करनी है। ये बारिशों के बाद लगते हैं और अक्टूबर तक बढ़िया चलते हैं, नवंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक भी चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये सूखा हुआ भी मिले तो फिर उसको रात को भिगो देना लकड़ी को और सुबह उसकी दातुन कर लेना, तब भी काम करेगा, जबरदस्त जोरदार, राइट। बुजुर्ग भी वो 70 साल प्लस थे तो दांत तो मोतियों जैसे थे, मजा आया उनको देख के और सीख के भी मजा आया कि अच्छी चीज सीखने को मिली, इसीलिए आप सबके साथ भी शेयर कर रहा हूं, राइट। दांतों को चमकीला तो ये बनाएगी ही, इसके अलावा ना जिनके दांत हिलते हैं ये उनके लिए भी जोरदार है। मसूड़े ढीले पड़ गए हैं, हिलते हैं धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं है कि आज किया फिटकरी की तरह तुरंत काम करेगा, लेकिन ये टाइम के साथ साथ बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको। ये जरूर कीजिए आप जिनको भी दांतों की समस्या है। 15 से 20 दिन बाद आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि सर क्या चीज बताई आपने डॉक्टर साहब, राइट। तो चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली शेयर करने योग्य भी होगा, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके, इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, खुश रहिए।